लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिवक्ता सभागार में अभियान चलाया गया तथा उपस्थित अधिवक्ताओं सहित गणमान्य लोगों को ईवीएम के साथ वीवीपैट की जानकारी के साथ मतदाताओं को वोटिंग के लिए शपथ भी दिलाया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी नगर आर के श्रीवास्तव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर प्रथमेश कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा, तहसीलदार सदर संजीव दीक्षित, राजस्व निरीक्षक नगर प्रदुमन सिंह, एसोसिएशन के अध्यक्ष के त्रिपाठी, मंत्री रविंद्र श्रीवास्तव सहित सैकड़ों सम्मानित अधिवक्ता मौजूद रहे। इस मौके पर एडीएम सिटी ने कहा कि ईवीएम को लेकर लोगों के भीतर फैली भ्रांतियां को दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ये अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए शपथ भी दिलाई जा रही है, जिससे पोलिंग प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष के त्रिपाठी व संजय श्रीवास्तव तथा एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, शिक्षा सेवा तो उनका नाम भी दर्ज कराने की श्रृंखला में इस उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं कि आगामी 19 मई को जो चुनाव यहाँ होने हैं, मत पड़ने हैं, उनमें आपकी सक्रिय और संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। यह मैं तहसीलदार सदर गोरखपुर संजीव दीक्षित हूँ और सदर क्षेत्र अंतर्गत 3 विधानसभाएं आती हैं, ग्रामीण, शहर, सदर और इपराई। और हमने शुरू किया था एक मोहल्ला सभा। मोहल्ला सभा का उद्देश्य ये था कि लोगों के बीच हम पूरी सेटअप लेके जाते थे। पहला तो उनको ये बताते थे कि आप बूथ किया है तो वो अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, 10 अप्रैल तक हमारी साइट नाम अपलोड कर सकते हैं, आपका फॉर्म 6 लेंगे संबंधित ईएलओ के माध्यम से। वेरिफिकेशन के बाद ऑगस्ट में आपकी सभी चुनाव जो हमारे होने हैं वो इस बार वीवीपैट के माध्यम से होंगे। वीवीपैट का उद्देश्य है वो डिस्प्ले आपको करके दिखाएगा मशीन है। तो संबंधित जो हमारे प्रतिनिधिगण होते हैं वो बात होते हैं कि आपको आपकी बात जो मैं बोल रहा हूँ ये निश्चित तौर से जो है बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग जो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। तो निश्चित रूप से जो है हमको जो मताधिकार का जो प्रयोग करने का जो अधिकार मिला हुआ है बहुत बड़ा अधिकार। जो भी लोग हो उनको जागरूक करें, सोचे कि वो दिन भर अपने लिए क्या किया और उसके बाद दूसरी ड्यूटी उसकी है वो परिवार के लिए क्या किया, तीसरे बिंदु पर समाज के लिए क्या किया। हमने एक संगठित होकर एक सभा का आयोजन किया और मुझे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने आमंत्रित किया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ क्योंकि उप जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्य का मैं दायित्व निभा रहा हूँ। मैं आपके जनपद में नया आया हूँ, इससे पहले मैं एडीएम कौशाम्बी था, जिस समय एडीएम सिटी गोरखपुर का पद देख रहा हूँ। सभी आप लोग बुद्धिजीवी हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं, जैसा कि अभी आपके अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 20-25 आदमी डेली आपसे मिलते हैं, अपने कैसे प्रार्थना पत्र लिखें, अपनी कैसी शिकायतें करें, हम कहां पर किस धारा में मुकदमा किस न्यायालय में दर्ज करें, हमारा मुकदमा चल रहा है उसकी आप पैरवी कर दें। इस तरह से समाज के जो भी लोग हैं आपसे लीगल राय लेने के लिए आपसे आते ही रहते हैं। तो क्योंकि बुद्धिजीवी संबंध से जुड़े हुए आप लोग हैं तो आपके अप्रोच बहुत ज़्यादा है और कानून की संविधान की आपको अच्छी जानकारी है, तो आप जब किसी को बताएंगे तो आपकी बात का महत्व है क्योंकि आप किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कह रहे हैं, आप देश के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। तो संविधान ने सभी को एक मत देने का अधिकार दिया है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ियों में, चाहे वो सड़क पे रह रहे हो बिना आश्रय के लोग हो, और चाहे वो बड़े बड़े महलों में इंडस्ट्रियलिस्ट हो या भारत के संविधान में जो भी पद उन्हें दिए गए हैं उन सर्वोच्च स्थल पर बैठे हो, सरकार में हो, विधायक हो, कैंडिडेट हो, एमपी हो, लेकिन वो मत समान है, एक ही मत डाल सकते हैं।
ये हमारे संविधान के रचयिता ने अपने देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सबको बराबर अधिकार दिया है और सबके वोट का वैल्यू बराबर है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाला वोट डाले और चाहे वो बड़ा कोई भी धनवान व्यक्ति वोट डाले, गिना एक ही जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अधिकार सरकार चुनने का, जनता को ये दायित्व दिया गया है कि आप 5 साल में कार्यों का असेसमेंट कर ले और जो विकास कार्य जो आपकी सहूलियत के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज की सुख शांति के लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं वो विद्वान लोग बनाए और उससे आपको लाभान्वित करें और डेमोक्रेसी को बचाए रखें। तो सही कैंडिडेट चुन के आएंगे जो जाके विधायिका और लोकसभा में जाके अच्छे कानून पढ़े लिखे, अच्छे साफ छवि के लोग को मतदान करें। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मार मार के धमकाते उसी को डाल देते थे, लेकिन इससे पीठासीन अधिकारी को इतनी इतना ज्ञान दिया जाता है कि अगर कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो वो क्लोज बटन दबा दे, फिर माइका लाल इलेक्शन कमीशन तक आ जाए उसमें वोट नहीं डाल सकता। ये कार्यक्रम जो है वह जिला प्रशासन की तरफ से जो है आयोजित किया गया है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव से निकट है उसमें जो है वोट की महत्ता और ईवीएम मशीन द्वारा जो है वोट कैसे जो है डाला जाता है और शत प्रतिशत लोग जो है इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना वोट करें, इसके संबंध में आज का कार्यक्रम ये आयोजित है। की बात यह है कि भारतवर्ष देश जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जो है जनता के द्वारा और जनता के लिए चुनी हुई सरकार जो है वह जनता के लिए काम करती है। तो इस देश के हर नागरिक की यह मौलिक जिम्मेदारी है कि इस देश की जो है व्यवस्था के लिए एक सुदृढ़ और अच्छी सरकार का चयन करें। इस नाते जो है ये अपेक्षा की जाती है कि इस देश के सब नागरिक जो है हम सभी लोग प्रयास करेंगे वह जो है वोट में जो है भाग प्रतिभाग करें और एक अच्छी साफ सुथरी मजबूत सरकार का जो है गठन करें। इसीलिए यह कार्यक्रम आयोजित है और सभी लोग हम प्रयास करेंगे, जिला प्रशासन की तरफ से भी यह कार्यक्रम गठित है और कि इस तरह का जो है जो लोकतंत्र की जो है वाकई में जो उद्देश्य है मूल उद्देश्य है वह जो है साकार हो सका। हाँ, जैसे अब हमारे देश में लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है, इसके पहले भी चुनाव होते रहे हैं तो जो प्रत्याशी हारते हैं तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, इसलिए हमारा चुनाव आयोग जो है पहले से बहुत सतर्क हो गया है और उसने इस तरह की मशीन पहले भी लॉन्च हुई थी लेकिन जागरूकता कम थी, आज सबको जागरूक करने के लिए मशीन यहाँ लगाई गई है। मशीन लगाने जैसे आप वोटिंग करते हैं अपने पसंद के प्रत्याशी को तो बीबीटी मशीन में 7 सेकंड के लिए उसका सिंबल बन के आएगा जिसको आपने वोट दिया है, जिससे आप ये संतुष्ट हो सकें कि हमारा प्रत्याशी हमारा वोट हमारे प्रत्याशी को ही गया है। और यही आज प्रदर्शन हमारे यहाँ बार में किया गया आज और सारे अधिवक्ता बंधुओं ने इसमें सहभागिता की। हमारे एसडीएम सदर माननीय प्रथमेश कुमार जी उपस्थित रहे, हमारे तहसीलदार महोदय रहे, जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय उपस्थित रहे, एडीएम सिटी महोदय, हमारे अध्यक्ष मंत्री सब लोग यहाँ पे आए और हम सब लोगों को इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी पूरी सहभागिता देनी चाहिए ताकि हम एक अच्छी और सुलझी हुई सरकार चुन सकें।
यहाँ पर बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्तागण और यहाँ पर प्रेस बंधुओं के साथ एक बैठक करके ईवीएम मशीन और वीवीपैड मशीन की जानकारी दी गई है कि जिस बैलेट यूनिट में आप जिसको मत देना चाहते हैं उसके बटन दबाने के बाद वो वीवीपैड में 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखाई देगी और जिसको मत दिया है उसका क्रमांक दिखाएगी, उसका नाम दिखाएगी, उसका चुनाव चिन्ह दिखाएगी कि आपने इसको मत दिया है, वही रिकॉर्ड होने के लिए कंट्रोल यूनिट में चला जाएगा। इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए ये बैठक की गई।